हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो में हम अपने एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और ये टॉपिक डिबेंचर का लास्ट टॉपिक है। टॉपिक क्या है? कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर, यानी जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था डिबेंचर से रिलेटेड, उसका ये लास्ट टॉपिक है। इसके पहले मैंने जितने भी टॉपिक आते हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। मैंने सारी वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दिए हैं, आप वहाँ से सारे वीडियोज़ पर जा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग के वीडियोस में समझाया था कि हम लोग डिबेंचर चाहे तो कुछ टाइम के बाद रिडीम कर सकते हैं, राइट? हमने पढ़ा भी था स्टार्टिंग में कि कन्वर्टेबल डिबेंचर हम इशू कर सकते हैं। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर मान लो कि किसी को भाई कन्वर्टेबल डिबेंचर चाहिए, तो हम उसको वो मान लो 5 ईयर्स के लिए दिया है, तो 5 ईयर्स के बाद हम उसका डिबेंचर जो है वो कन्वर्ट करवा सकते हैं, या उसे बोल सकते हैं भाई कन्वर्ट कर लो, या वो खुद कन्वर्ट करवा सकता है। ऐसा नहीं कि हम उससे जाके बोलेंगे, वो कन्वर्ट करवा लेगा अपना। बात समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे समझो कि कन्वर्ट करवाते हैं जब हम डिबेंचर, तो उस टाइम पे हमें एंट्री कैसे पास करनी होती, कैलकुलेशंस कैसे करने होते, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे आज सीखेंगे। हालांकि मैं आपको कुछ भी नया नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको सिर्फ वही चीज़ें बताऊँगा जो हमने पीछे पढ़ा था। मेरा एक ही मकसद होता है आपको समझाने का कि हमने जो पहले सीखा है, हम जो आगे सीखने वाले हैं, उन दोनों को क्या करो, कनेक्ट करो। जब तक आप चीज़ों को कनेक्ट करना नहीं सीखोगे, तब तक आपको चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। देखो, कनेक्ट करने का मतलब यहाँ पे मेरा ये है कि एक दूसरे को जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे दो अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, उनको आप रिलेट करो एक दूसरे से। अगर वो चीज़ें आप रिलेट कर सकते हो तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैं अभी इस कन्वर्जन वाला समझाने वाला हूँ, तो आप उसको देखना। हम इसमें सिर्फ एक पॉइंट हो सकता है एक्स्ट्रा करेंगे, बाकी वही चीज़ें करते हैं जो हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं? तो ये जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम दो तरह से सीखेंगे। एक तो यह है कि कन्वर्टेबल डिबेंचर हमने इशू किया था वैसा, और एक क्या है कि जब हम रिडेम्पशन करने वाले हैं तो उस टाइम पे भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। भाई कुछ लोग होते हैं ना कि वो लोग बोलते हैं कि भाई हमें नहीं चाहिए पैसा, उसके बदले में हमें दूसरे डिबेंचर्स दे दो या शेयर्स ही दे दो, तो उस टाइम पे हमें कैसे पास करना होता है एंट्री, वही देखेंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूं मैं, वो आपकी बुक का ही है। आप चाहे तो स्क्रीन पे देख सकते हैं क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, आप एक बार अच्छे से क्वेश्चन देख लो, और मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन आपको शॉर्ट में लिख के डायरेक्टली क्वेश्चन समझाने वाला हूँ। ठीक है, विदाउट टाइम वेस्टिंग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन, आप एक बार स्क्रीन पर देख लो। ओके, तो फ्रेंड्स ये रहा आपका क्वेश्चन। आप क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, मैंने आपके स्क्रीन पे दिखाई दिया, फिर भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 8000 डिबेंचर इश्यू डेट 200 पार अमाउंट है ये। फिर लिखा हुआ है आफ्टर 4 ईयर्स कन्वर्टेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट 25% प्रीमियम। तो सबसे पहले बात समझो, मैंने क्या कहा कि हम जो पीछे अभी तक पढ़ चुके हैं उन्हीं चीज़ों का आपको माइंड में रखना होता है। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 8000 डिबेंचर है और हमने इशू किया था ₹200 में, और ये पार वैल्यू है, ये याद रखना कौन सी वैल्यू है, ये पार वैल्यू है, और हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं 10 ईच शेयर की वैल्यू है उसे 25% में दे रहे हैं, राइट? आज समझ में आया कि नहीं? देखो यहाँ पे ये जो प्रीमियम वर्ड यूज़ किया हुआ है, ये प्रीमियम वर्ड एक्चुअली में इस शेयर के लिए यूज़ किया हुआ है, ना कि यहाँ पे इसके लिए। यानी जो हमने डिबेंचर इशू किया हुआ है वो तो हमने पार से ही इशू किया है, और उसे हम रिडीम भी पार पे ही कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले हम क्या कर रहे हैं, आपको शेयर्स दे रहे हैं, और वो जो शेयर्स है वो आपको हम प्रीमियम पे दे रहे हैं। बात समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है वो समझो। सबसे पहले तो हमें बेसिक एंट्री आनी चाहिए कि हम जब डिबेंचर को इशू करते हैं, तो मैंने बताया था जब हम डिबेंचर को इशू करते हैं तो उसकी एंट्री क्या लिखते हैं, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर। तो वो मैं चीज़ें आपको फटाफट यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, आपका ध्यान यही होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा हुआ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 8000 मल्टीप्लाई बाय 200 16 लाख टू डिबेंचर एप्लीकेशन 16 लाख, राइट? हमने पहले अमाउंट रिसीव किया होगा, फिर उस अमाउंट को डिबेंचर में ट्रांसफर कर दिया है, और अमाउंट कितना है, 16 लाख है, क्योंकि इक्वेशन में लिखा हुआ था पार पे था। बात समझ में आया? उसके बाद हम रिडीम करने वाली एंट्री करेंगे, जिसको हमें बोलते हैं ड्यू एंट्री, राइट? जब हम ड्यू एंट्री करते हैं तो उसमें हम क्या लिखते हैं, डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, यही लिखते हैं। और हम रिडीम कैसे करने वाले हैं, क्वेश्चन में कहीं क्लियर नहीं है, तो हम क्या समझते हैं कि पार पे ही रिडीम करने वाले हैं। पहले ही मैंने आपको समझा दिया, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ये जो कन्वर्ट करना है ना उसका प्रीमियम है, ना कि हम उसे प्रीमियम में अमाउंट पे करने वाले हैं। हम उसे प्रीमियम में अमाउंट नहीं पे कर रहे हैं, उसे हम प्रीमियम में अपना शेयर दे रहे हैं। समझ में आया?
तो वो दो चीजें अलग अलग है। जैसे कि वहां पे हमें क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोला है कि अमाउंट हमें वैसे ही रिडीम करना है, लेकिन जो हम शेयर्स देने वाले हैं उनकी वैल्यू प्रीमियम पर है, ठीक है। तो वहां पे कैलकुलेशन कैसे करना होगा, वहां पे कैसे समझना होगा, ये सब देखो। यहाँ पे हम अमाउंट उसे 16 लाख ही रिडीम कर रहे हैं, राइट, उसे हम अमाउंट एक्स्ट्रा नहीं दे रहे हैं, उस अमाउंट हम कितना दे रहे हैं, 16 लाख ही दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये अमाउंट जब हम उसे देंगे उसके बदले जो हम शेयर दे रहे हैं वो हम उसे प्रीमियम में दे रहे हैं, बात समझ में आया। तो उसके लिए अभी देखो, आप लोगों को याद होगा इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था, जब रिडेम्पशन वाला हमने टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें हम लिखते थे डिबेंचर होल्डर टू बैंक, इसके बाद वाले एंट्री, ये तीन एंट्री हम वहां भी करते थे, राइट। लेकिन उसके बाद यहाँ पे हम लिखते थे होल्डर टू बैंक, तो वही चीजें यहाँ पे भी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम बैंक से अमाउंट पे नहीं कर रहे हैं, हम उसे शेयर्स दे रहे हैं, राइट। और वो शेयर्स हम कैसे दे रहे हैं, पार पे दे रहे हैं। तो आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था कि कैलकुलेशन इसके कैसे करना होता है, तो मैं आपको एक बार यहाँ पे फिर से वो सिंपल लिख के दिखा देता हूँ। वो छोटा सा आपको डिजिट याद रखना है, नंबर कह सकते हो, फॉर्मूला बोल सकते हो। देखो हमें अमाउंट कितना पे करना है वो देख लो, सबसे पहले ऊपर क्या लिखोगे, टोटल अमाउंट, जो अमाउंट आपको पे करना है उसके डिवाइड में क्या लिखोगे, इशूड प्राइस। इशूड प्राइस का मतलब जो भी चीज़ें आप उसको इशू कर रहे हो, अगर शेयर इशू कर रहे हो तो शेयर की प्राइस लिखनी है, डिबेंचर इश्यू कर रहे हो तो डिबेंचर की प्राइस लिखनी है। अब देखो टोटल अमाउंट हम उसे कितना पे करने वाले हैं, 16 लाख रुपीस पे करने वाले हैं, कितना पे करने वाले हैं, 16 लाख रुपीस। तो यहां पे लिख दो 16 लाख, राइट। और जो हम उसे शेयर इशू करने वाले हैं वो कितने का, 10 का है, लेकिन 25% प्रीमियम से है। इसका मतलब 25% प्रीमियम अगर मैं ऐड करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 12.5 रुपीस में हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं 12.5 डिवाइड करता हूँ तो ये आएगा 1,28,000, बात समझ में आया कि नहीं, यानी कि अगर मैं इसे डिवाइड करूँ तो आ जाएगा 1,28,000। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे उसे 16 लाख रुपीज़ देना है तो उसके लिए मुझे 1,28,000 शेयर्स देने होंगे, तब जाके हमारा हिसाब जो होगा वो बराबर होगा। क्लियर हुआ इतना, इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो अब इसकी एंट्री कैसे पास करोगे, इसकी एंट्री पास करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिबेंचर होल्डर टू इक्विटी, क्योंकि हम उसको क्या दे रहे हैं, शेयर दे रहे हैं, और ये शेयर हम प्रीमियम से दे रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ पर आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। समझ में आया, इतना क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे अमाउंट है यहाँ पे 16 लाख, और यहाँ पे हमने बोला है 1,28,000 शेयर्स दे रहे हैं, और उसकी प्राइस है मेन है 10, और बाकी का जो है वो है आपका प्रीमियम, कितना है 2.5 रुपीस। क्लियर हुआ इतना। अब इसकी एंट्री कैसे करोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 12,80,000, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3,20,000, बात समझ में आया कि नहीं, क्लियर हुआ इतना। तो इस तरह से हमें एंट्री पास कर रही होती कन्वर्जन वाले की। आपको सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है कि हम उसे अमाउंट कितना पे करने वाले हैं, उसके बाद ये फॉर्मूला छोटा सा है, अगर आपको ये आ गया ना तो आपका सब खत्म हो जाएगा, यानी कि आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस टॉपिक पे। देखो मेरा सीधा सा एक ही मतलब होता है कि मैं आपको वो चीज़ें समझाऊँ जिसे हम बहुत आसानी से सीख सकें, ठीक है। देखो यहाँ पे पूरा फॉर्मेट याद रखने की जरूरत है, मैंने आपको कितनी बार समझाया है, ये सारी फॉर्मेट तो हम तो पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, हर बार एक एक टॉपिक नया आता है। इस बार क्या आया, इक्विटी और प्रीमियम आ गया, बाकी तो देखो सब पुराना ही है ना। क्लियर हुआ, इतना समझ में आया। तो अभी ये एंट्री कैसे करना है वो भी आपको पता चल गया, अमाउंट कैसे निकालना है, उसका नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालना है वो भी क्लियर हो गया, समझ में आया। एक काम करते, एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे हमारा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन समझा दूंगा आपकी बुक में से ही, जिससे आपका ये जो डाउट है वो पूरा ही क्लियर हो जाए, जिससे आपके मन में कोई भी क्वेश्चन ना रहे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन, आप एक बार स्क्रीन पर क्वेश्चन देख लीजिए, मैं यहाँ पर उसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, ठीक है, आप लोग एक बार इसे अच्छे से देख लो और मैं ब्लैक बोर्ड पे शॉर्ट में तो लिख ही देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दो, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है, 12,000 डिबेंचर है, 8,400 है, और हमने आफ्टर 5 ईयर्स कन्वर्ट किया है ऑफ ₹10 ईच एट 50% प्रीमियम, यानी ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे क्या करते हैं अमाउंट्स वो लोग चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फटाफट एंट्री देख लेते हैं, हम लोग समझ लेते हैं कि कैलकुलेशन कैसे करना होता है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि जब भी ऐसे सवाल आए तो सबसे पहले आपका जो बेसिक काम है पहले वो कर लो, या कहें कि जो आपका स्टार्टिंग का वर्क होता है, जो आपने हमने इससे पहले भी कई बार किए हैं, तो हमारा स्टार्टिंग का वर्क क्या होता है कि हमने पहले डिबेंचर इशू किया था, तो उसकी एंट्री क्या लिखोगे यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट, यही करोगे,
बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। फिर उसके बाद हम सेकेंड एंट्री क्या लिखते हैं, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर। फिर नंबर थ्री, डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, राइट। ये चीज़ें हमें आती हैं। मैंने क्या किया, सिर्फ मैंने पहले एंट्रीज लिख दी, क्योंकि ये एंट्रीज मुझे याद हो गई है, ठीक है। हमने इतनी बार प्रैक्टिस किया, हम इतनी बार ये सम सॉल्व करते हैं, तो एंट्रीज तो आपको याद हो ही जानी चाहिए। अगर नहीं याद होती तो सिंपल समझो, पैसे मिलेंगे, डेबिट किया, एप्लीकेशन के लिए मिला इसलिए उसको क्रेडिट किया, उसको डिवेंचर में ट्रांसफर किया, बाद में डिवेंचर को ख़त्म करके होल्डर्स को वापस जिंदा कर दिए, क्योंकि पैसे उन्हीं को देने हैं, फिर होल्डर को भी ख़त्म करके बैंक से पैसे दे दिया। ऐसे सिंपल से स्टोरी बना के भी याद कर सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, तो अब देखो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एंट्री हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू। हमने कैसे पे किया है, प्रीमियम से, तो पहले इक्विटी आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो मैंने क्या किया, एंट्रीज फटाफट लिख दी। अब आता है अमाउंट लिखने की बारी, तो जब आपको एंट्रीज आ जाएंगी तो अमाउंट लिखना और आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखो 12,000 डिबेंचर है और उसकी प्राइस कितनी है, 400 है। इसका मतलब जो अमाउंट है वो कितना है आपका, 48 लाख रुपीज, राइट। तो यहाँ पे दोनों साइड में 48 लाख रुपीज आ जाएगा, और हमने जब ट्रांसफर किया तो भी 48 ही आने वाला है, क्योंकि ये क्या है, आपकी पार वैल्यू है, यानी जिसको हम लोग कहते हैं मूल कीमत, समझ में आया। तो कोई टेंशन है नहीं, और यहाँ पे भी रिटर्न करोगे तो सेम ही रिटर्न करोगे, 48 लाख, तो यहाँ तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इतना समझ में आया। फिर यहाँ पे भी जब रिटर्न करोगे तो 48 लाख, देखा समझ में आया कि नहीं। यानी मैंने क्या किया, सिर्फ एक ही अमाउंट हमने 10 बार लिखा है, 10 बार नहीं है, काउंट मत करने बैठ जाना। कहने का मतलब कि एक ही चीज़ें रिपीट होती रहती हैं, बात समझ में आया कि नहीं। हमें सिर्फ ये देखना होता है कि इसमें नया क्या है, बस वो नए वाले को दिमाग में रखो, बाकी चीज़ों को ऐसे समझो ये तो पहले भी पढ़ा है, ये तो पहले भी पढ़ा है, अरे ये तो पहले भी पढ़ा है, बस ऐसे करके उसको दिमाग में फिट रखो, और सिर्फ इतने याद रखो हमें नया क्या है यहाँ पे, बात समझ में आया कि नहीं। तो अब देखो यहाँ पे, अब ये दो चीज़ों के लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें अमाउंट पे करना है, फाइंड आउट करना पड़ेगा शेयर्स कितना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि टोटल अमाउंट लिखो, टोटल अमाउंट आपका कितना है, 48 लाख है, और हम पे कैसे करने वाले हैं, 10+50% प्रीमियम, राइट। इसका मतलब ये हो जाएगा 48 लाख डिवाइडेड बाय 15, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3,20,000, समझ में आया, कितना आ जाएगा, 3,20,000। यानी अगर आप 3,20,000 शेयर्स देते हो तब जाके हमारी ये जो 48 लाख अमाउंट है वो जाके सेट होगा। तो उसको कैसे लिखना है, 3,20,000, और ये 10 है, मेन में जाएगा 10, और बाकी जो है वो क्या है, प्रीमियम है, प्रीमियम आपका कितना है, 5, समझ में, 3,20,000 यहाँ पे एक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या, 3,20,000 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये कितना हो जाएगा, 32 लाख हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 16 लाख। आया समझ में, क्लियर हुआ। इस तरह से आपको एंट्रीज करनी होती है, इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना होता है। आप बस इस चीज़ को माइंड में रखना कि ये कैसे सॉल्व करना होता है, किसी भी तरह का पॉइंट आया आप इसमें सॉल्व कर सकते हो। प्रीमियम से किया है तो भी, अगर मान लो यहाँ पे आ जाए कि डिबेंचर में ही कन्वर्ट किया है, आपको पता है डिबेंचर हम 3 तरह से दे सकते हैं, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, तो डिस्काउंट वाला आ जाए तो डिस्काउंट वाली अमाउंट, क्योंकि यहाँ पे क्या रखना है आपको, इश्यूड प्राइस रखना है। इतना क्लियर हुआ, समझ में आया। तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मैं आपको एक और वीडियो प्रोवाइड कर देता हूँ जिसमें मैं आपके बुक का ही एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें आपको 3 से 4 कंडीशंस एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। तो वो आपका लास्ट वीडियो होगा इस टॉपिक से रिलेटेड, यानी इस जो मैंने स्टार्ट किया है, जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था डिबेंचर, ओके, ठीक है। इतना समझ में आ गया है, तो आप लोग वीडियो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, ये सारी चीज़ें करते रहिए, जिससे क्या हो कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे सपोर्ट करें, फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी हो, आप लोग कहते जो भी रिलेशन बनाना चाहो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहते ना एक सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट होगा तो ही मैं आगे बढ़ पाऊँगा, या मैं और आपको चीज़ें अच्छी प्रोवाइड कर सकूँगा। ये तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं किसे दे रहा हूँ, मैं क्या, कौन है जो मुझे देख रहा है, तो वो सारी चीज़ें मुझे पता चलनी चाहिए। इसलिए कहते हैं ना कि आप जो भी व्यू हो आपका, अच्छा, बुरा, बहुत अच्छा, बहुत ख़राब, जो भी हो, बीच लेवल, कोई भी हो, आप मुझे अपना जो व्यू है वो प्रोवाइड करते रहना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच मेरे वीडियोज़ देखते रहने के लिए और मुझे सब्सक्राइब करने के लिए, और इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखना। थैंक यू सो मच।